बिना एसी कूलर रूम का टेम्परेचर होगा -15 डिग्री। वो कैसे, देखिए टेम्परेचर मैंने ऑन कर दिया है रूम का, 37.5 डिग्री आ रखा है। अभी इस रूम में ना तो कोई एसी है, बिना एसी के कैसे ये रूम का टेम्परेचर कम होगा, ये पंखा भी बंद पड़ा है। ये गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या है, रूम गर्म होने लग जाता है। ये देखिए टेम्परेचर एक बार फिर देख लीजिए, 37.5 है। अभी ऐसी ट्रिक आप में आजमाने वाला हूँ जिससे इसका रूम का टेम्परेचर एक बाल्टी से बिल्कुल कम हो जाएगा, माइनस से 10 से 15 डिग्री माइनस चला जाएगा। आइए मैं छत पे वो ट्रिक आजमाने वाला हूँ, छत पे आपको लेके चलता हूँ। तो ये ट्रिक बहुत ही फायदेमंद है, सूरज की किरणों को जो छत पे पड़ती हैं वहां से हीट पैदा होके जो एनर्जी हमारे रूम में भड़च हो जाती है वो नहीं होएगी। आज के बाद आपकी सूरज की सारी गर्मी सूरज के पास वापसी रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। देखिए वो ट्रिक क्या है, इस बाल्टी में क्या क्या आपने मिलाना है, इसको मार रख दे। ये देखिए हमने पहले से अपना बंदा यहाँ पे लगा रखा है ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा। ये हमारा रूम का, ये लाइन मैंने खींची हुई है, जो ये व्हाइट लाइन, ये रूम का एक साइज बनाया हुआ है माप के। और अब ये कैसे टेम्परेचर को काम कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि जो ये टाइलें होती हैं बहुत ही गर्म हो जाती है गर्मियों में, और उसके बावजूद हमारे रूम में बिल्कुल गर्मी होने लगती है। देखिए उसके लिए हमने 3 से 4 सामान लिए हैं जो आपके रूम को ठंडा करने में मदद करेगा। ये है वाइट चूना, अभी टेम्परेचर मैंने नीचे का दिखाया था आपको 37.5 डिग्री, और अभी आपको मैं टेम्परेचर दोबारा फिर चेक कराने वाला हूँ। उस रूम में ना तो कोई एसी था, फिर भी बिना एसी के बिना कूलर के टेम्परेचर माइनस हो जाएगा। ये देखिए इसको चुनने को पानी में घोल लेना है, और घोलने के बाद इसमें थोड़ा सा 5 किलो में आधे आधा लीटर या 1 लीटर आपको फेविकोल मिला लेना है ताकि ये पकड़ बना ले और 1 साल भर आपका काम चलता रहे। ये देखिए कुछ इसमें मिला लिया, कुछ इस तसले में, ये आधा लीटर फेविकोल या 1 लीटर भी मिला सकते हैं ताकि उसकी ज़्यादा पकड़ बनी रहे। इसके अंदर अच्छे से मिला लेना है आपने, और एक लेना है आपने रोलर, रोलर की मदद से इसको आपने मिलाने के बाद रोलर में डुबा के इस तरह से इसको अच्छे से घोलो, इसको घोलो। इसको घोलने के बाद आपने अपनी छत की जो टाइलें होती हैं टाइलों पे ये रोलर चलाना है इस तरीके से। पानी डालो इसमें थोड़ा, डालो डालो। ये देखिए अभी आपको मैं टेम्परेचर दोबारा चेक कराने वाला हूँ, इसी रूम का टेम्परेचर जिसका अभी कराया मैंने, दोबारा से एक बार टेस्ट कराने वाला हूँ। और 10 से 15 डिग्री आपकी आंखों के सामने 1 मिनट में ही चला जाएगा बिना एसी और बिना कूलर के। इस पे आपने 2 से 3 कोटिंग लगानी है, क्योंकि जो सूरज की किरणें होती है हमारी छत पे पड़ती है वो इससे रिफ्लेक्ट, जो इसकी हीट होती है ये हीट को सोख लेती है और छत के नीचे तक नहीं जाने देती आपके रूम के अंदर हीट को। इस तरह से आपने रोलिंग करके अपनी छत पे 2 से 3 कोट इसके लगा देने हैं। जिस भी रूम में आप ठंडक चाहते हो उस रूम में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। और इसका प्रयोग कितना सच है कितना नहीं, अभी मैंने आपको टेम्परेचर दिखाया था, अभी आपको दोबारा फिर दिखाने वाला हूँ। इस पे बाल्टी डालो। ये देखिए इस पे पूरी पे डाल के एक कोटिंग आपने रोलर से इसे पूरे रूम के ऊपर रोलर चला देना है, ताकि 2 से 3 कोटिंग इसके ऊपर होनी चाहिए सूरज की गर्मी को अब्जॉर्ब करने के लिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, आपकी छत अच्छी भी दिखेगी और इस पे गर्मी का कोई असर भी नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीका है ये अपने रूम को ठंडा करने का। ये देखिए इधर मैंने 2 से 3 कोटिंग पहले से लगाई हुई है, ये कोटिंग दिखाएं सर,
ये कोटिंग देखिए, ये देखिए, इतनी 2 से 3 कोटिंग चढ़ाओगे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रोंग और मजबूत हो जाएगा, और जिससे आपके छत में, छत के नीचे बिल्कुल भी हीट नहीं जा पाएगी, सारी गर्मी को ये ऊपरी सोख लेगा, और जो जैसे सूरज की किरणें पड़ रही हैं इससे रिफ्लेक्ट होके वापसी चली जाएंगी। आइए मैं आपको नीचे का टेम्परेचर अभी दिखाता हूँ, उसको नीचे लेके जाओ। फोन पकड़क से ये देखिए, ये एक रूम के ऊपर हमने साइज माप के इस पे कोटिंग कर दी है। 2 से 3 बार कोटिंग आपने इसके ऊपर कर देनी है। ये देखिए, एक एक या दो कोटिंग इसके ऊपर हो चुकी है, तीसरी कोटिंग इसके ऊपर छिड़क लें इस तरह से, और इसके ऊपर रोलर चला दें। ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है गर्मियों से बचने का, लू से बचने का। आइए मैं आपको नीचे का टेम्परेचर अब दिखाता हूं। ये एक रूम का साइज हमने माप लिया था 12 बाय 12 का, और इसका टेम्परेचर कितना होगा नीचे का अब खुद ही चेक कर लेते हैं। 10 मिनट, 5 से 7 मिनट में ही टेम्परेचर पे फर्क पड़ता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर। बंद, ये देखिए, रूम इस उसी रूम में आ गए हैं वापसी। ये हमारा जो रूम मैंने आपको दिखाया था, सिर्फ इसमें पंखा है और कुछ नहीं। ये टेम्परेचर ऑन कर दिया है, वही टेम्परेचर है आपके सामने। ये देखिए घटता जा रहा है, जैसे ही 1 से 2 मिनट में ये टेम्परेचर अपने आप ऑटोमेटिक माइनस होता चला जाएगा। सिर्फ इसके अंदर आपने पंखा ऑन करना है, जैसे कि मैं ये पंखा ऑन करता हूं, ये देखिए, एक पंखे से ही बिना कूलर एसी के आपका टेम्परेचर माइनस में होता चला जाएगा। देखिए 35 हो गया, कुछ दो आंख में कुछ गया। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, सिर्फ मैंने 30 से 40 सेकंड इसको देनी है। अभी आपको मैं टेम्परेचर माइनस ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। ग्लव्स निकाल लो, पैंतीस डिग्री, 1 डिग्री गिर गया है। ये देखिए 1 डिग्री टेम्परेचर गिर चुका है, और दूसरा भी गिरने वाला है। 8 से 10 डिग्री टेम्परेचर इसका गिर जाएगा आपके देखते ही देखते। ये देखिए, सिर्फ आप 1 मिनट और दीजिए मुझे, ये देखिए इसका टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा, 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर आपका माइनस चला जाएगा इसके देखते ही देखते। जब मैंने दिखाया था 37.5 डिग्री टेम्परेचर था इसका, जब ऊपर मैं कोट करके आया, उस कोट से क्या होता है, उसमें जो चूना होता है, चूने के में ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जो सूरज की रोश किरणों को अपने अंदर अब्जोर्व कर लेते हैं, जिससे आपका टेम्परेचर एक एक डिग्री करके माइनस होता जाता है। देखिए 34 डिग्री आ चुका है, 34.5 आ चुका है। इसी तरह से ये दोबारा ऑन कर देता हूँ, ये देख लिए, एक बारी ध्यान से देख ले, अभी घट गया है टेम्परेचर, 34.5 आ गया। इस तरह से ये घट के 10 डिग्री चला जाएगा। तो दोस्तों, ये ट्रिक पसंद आई हो तो और भी लोगों को भला करे। थैंक यू।